वाह पापा, ऐसा सेवा डेली मिलता है? कभी नहीं। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज है वट सावित्री की पूजा और अभी हम सब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। मम्मी अभी तैयारी कर रही है पूजा के लिए। चलिए मैं दिखाती हूँ अभी क्या हो रहा है। यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। मम्मी अभी पूजा की थाली तैयार कर रही है। यहाँ पे फूल तोड़ के रखी है, सारा कुछ बस रेडी है। बस थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे अभी। तो गाइज, आज मैं आपको हमारे घर की प्रिंसेस से मिलाने जा रही हूँ। कहाँ है मेरी प्रिंसेस? ये इसका नाम है पिंग पिंग। क्या नाम है? बहुत ज्यादा लाइक कीजिएगा। ये भी मेरा ब्लॉग देखती है। ये मेरी दी की बेटी है। कैसा लगता है तुमको मेरा ब्लॉग? अच्छा अच्छा। तो गाइज, आज पहली बार मेरी मम्मी ब्लॉग में आने वाली है। मैंने इससे पहले ब्लॉग में उनको नहीं दिखाया था। और साथ ही मेरी जो चाचियाँ हैं उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगी। तो चलिए मिलाती हूँ मेरी मम्मी से। ये है मेरी मम्मी। हाय सर। हाय। और ये चाची है। और ये दोनों भी चाची है। हाय। तो सब कोई अभी रेडी हो गई है। अभी चलने वाले हम लोग मंदिर। बस मासी और चाची और जो नेहा दी है, जिनकी अभी अभी हाल ही में शादी हुई है, वो भी अभी तैयार हो रही है। नई नवेली दुल्हन है, इसलिए उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। बस उनके आते ही हम लोग सब निकल जाएंगे मंदिर। तो आप लोग ब्लॉग को मिस मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो अभी सब कोई रेडी हो गए हैं। ये देखिए चाची, नेहा दी और मेरी मम्मी सब कोई पूजा की थाली लेकर के है। बस चलना है जल्दी से। होके जा रहे हैं मंदिर। थाल पूजा की थाली एक साथ, इधर मासी। ज़्यादा गर्मी है एकदम, बोले तो सड़ा हुआ गर्मी। और इतना गर्मी में मैंने तो चप्पल पहना हुआ है और सबने अभी चप्पल नहीं पहना। इतना गर्मी में पैर जल जाएगा, इतना ज़्यादा गर्मी। हाँ, थोड़ा दूर में है मंदिर। जूते पहन के दौड़ के जाओ। लोटा पकड़ के मैं अभी जा रही हूँ। और ये है दुर्गा मंदिर। बहुत तेज धूप है और ऊपर से गर्मी, देख रहे कितना पसीना निकल रहा है। पूजा वाले दिन इतना गर्मी नहीं होना चाहिए। एक तो सब कोई फास्ट करती है और ऐसे में इतना गर्मी अच्छा नहीं लगता। ये पसीना से एकदम लथपथ। कहाँ जा रहे हो? ये उधर पूजा करने जा रहा। बोले कि आम तोड़ने जा रहे। इसको हर जगह आम ही दिखाई देता है। बस और कुछ कदम की दूरी है, हम लोग पहुंच जाएंगे षष्ठी तल। हैं षष्ठी तल। ये देखिए ये काली मंदिर। यहाँ पे तो बहुत बार आप लोग को मैं दिखा चुकी हूँ शादी में और इससे पहले भी। और अभी यहाँ पे सब कोई पूजा करने में बैठ गए। दोस्तों, आज का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। एक तो तेज धूप, ऊपर से उमस वाली गर्मी। और अभी आप देख रहे हो कि सबको अभी पूजा करने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगा रही है। और इसी बरगद के पेड़ पर गांव की जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, सब कोई सावित्री व्रत करने के लिए यहां पे आती हैं। और अभी पंडित जी भी आ गए हैं। यहां पे पूजा शुरू भी हो गई है और धीरे धीरे सब आएंगे अभी पूजा करने के लिए। और यहाँ पर चाची नेहा दी को बता रही कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि नेहा दी का ये पहला सावित्री व्रत है इसलिए। और सावित्री व्रत की एक कथा भी होती है, जिसके बारे में मैंने जो सुना है मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। अगर कोई भूल होगी तो माफ़ कीजिएगा। कहानी ये है, सावित्री के पति सत्यवान की असमय मृत्यु हो जाती है और यमराज उसकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं। तब सावित्री उसकी आत्मा को ले जाने से यमराज को रोकती है। यमराज के लाख समझाने के बावजूद वह उसकी आत्मा को ले जाने नहीं देना चाहती थी। इस पर यमराज ने उसमें उसकी आत्मा को छोड़कर 3 वरदान देने का वचन दिया। लेकिन सावित्री को अपने पति के अलावा और किसी चीज़ की इच्छा नहीं थी।
यमराज के समझाने पर सावित्री ने उनसे कहा कि यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। तब यमराज ने तथास्तु कहकर उसकी आत्मा को लेकर चल पड़े। तब सावित्री ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आपका वरदान कैसा, जब मेरे पति ही आप ले जा रहे हो तो मैं पुत्रवती किस प्रकार हो सकती हूँ। तब यमराज उनके सतीत्व और दृढ़ निश्चय के आगे उनको झुकना पड़ा और सत्यवान को जीवित करते हुए वो चल पड़े और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि तुम धन्य हो और तुम्हारा सतीत्व से मैं प्रसन्न हूँ, जाओ तुम सदा सुहागन रहो। इसी सतीत्व के शक्ति को देखते हुए सुहागिनी प्रतिवर्ष सावित्री सत्यवान व्रत करती है ताकि उनके पति की लंबी आयु हो और सदा सुहागन बनी रहे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ऐसा है कि बरगद का पेड़ का जो आयु है बहुत ही ज़्यादा होता है, दीर्घायु होता है, इसलिए सब कोई वट सावित्री की पूजा बरगद के पेड़ पर ही करती है क्योंकि ताकि उनके पति की भी आयु बरगद के वृक्ष की तरह दीर्घायु हो। तो यही है सावित्री व्रत की कथा। अगर आपको इसमें कोई भूल होगी तो माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे पूजा लगभग हो ही गई है और अभी सब कोई सिंदूर लगाते हुए, जितना लेट होगा उतना धीरे धीरे सब कोई पूजा करने के लिए पहुँच जाएगी यहाँ पे और एक साथ सब कोई नारा लगाते हुए जय माता दी। और सब कोई अभी जा रहे हैं काली मंदिर, वहाँ पे भी पूजा होगी। और अभी धीरे धीरे सब पहुँच रहे हैं पूजा करने के लिए। और ये है हरि मंदिर, यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया था इससे पहले भी। ये टाइगर और इसी मंदिर के पास में मेरा स्कूल है जहाँ से मेरी शुरुआती पढ़ाई हुई। पहले ये मिडिल स्कूल था और अब ये प्राथमिक विद्यालय बन गया है। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। आ जाओ उधर मत जाओ, अब तो स्कूल में छुट्टी भी हो गया, बच्चे अभी खेल रहे हैं। तो गाइस पापा भी आ गए हैं और मम्मी अभी पापा को प्रसाद दे रही है। सबसे पहले मम्मी पापा को प्रसाद खिलाएगी और उसके बाद में मम्मी जो है पानी शरबत ये सब पिएगी। तो आज पापा भी मेरे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। इससे पहले जब आप लोगों ने शायद कौन सा ब्लॉग था, हाँ रामनवमी वाले में, उसमें मैंने दिखाया था लेकिन पापा को फेस मैंने छुपा दिया था और इस बार एकदम सामने से मैं पापा को दिखा रही हूँ। बाबा ये मेरे पापा हैं और अभी मम्मी पापा को प्रसाद खिलाएगी। इतना सेवा पापा, ऐसा सेवा डेली मिलता है? कभी नहीं। बस इसी दिन ना हो गया। हाँ हो गया। क्या क्या मिला है प्रसाद में? ये देखो ऐसा हुंडा है। तो गाइज आज के ब्लॉग में मैंने आपको मेरी फैमिली, अभी तो बहुत बड़ी फैमिली है, सबसे मिला नहीं पाई हूँ पर धीरे धीरे सबसे मिलाऊंगी आप लोगों को, चाची मासी मेरी मम्मी पापा सबसे मैंने आप लोगों को मिलाया है। और आज सब हम लोग गए थे वट सावित्री का पूजा करने के लिए, मम्मी लोग पूजा की और उसके बाद आपने देखा कि मम्मी पापा को प्रसाद खिलाई और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए शरबत बनाने क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतना तेज़ धूप कि घर आते आते सबकी जो है हालत ख़राब हो गई और अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया। अभी कितना 12:30 बज रहा है और इसलिए मैंने जो है अभी वहाँ पर चावल चढ़ाया सबसे पहले क्योंकि भूख भी बहुत ज़रूरत लगी है। पापा भैया भी हैं तो हम लोग अभी खाना भी खाएँगे तो जल्दी बनाना पड़ेगा।
अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।